पीएम किसान सम्मान निधि के जितने भी लाभार्थी हैं वो किसान क्रेडिट के लिए सभी पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो मैं वही बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सीएससी के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो देखिए, मैं पीएम किसान गवर्नमेंट के वेबसाइट पर आ गया। यहाँ पर ऑफलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस फार्म को आप फिलअप करके आप बैंक में दे सकते हैं या ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी आईडी लॉगिन करके केसीसी डालेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। यदि आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो यहाँ पर देखिए esewa.cscloud.in पर ऐसे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा जो उनका जो कृषि मंत्रालय का यहाँ पर जो वेबसाइट वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई न्यू पर केसीसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे ही आधार कार्ड नंबर डालोगे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका पीएम किसान का आईडी, फादर्स नेम, जितने भी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना जरूरी है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइप आप केसीसी, आप अमाउंट लोन, आपका जो केसीसी के लिए आप फ्रेश हैं या पहले से आप बना हुआ है या जो बंद हो चुका है उसको आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इन्हेजमेंट, आप एक्सिट लिमिट, आप यदि आपको 2 लाख मिल रहा था या उसको 4 लाख करवाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं 2 लाख लोन यहाँ पर अमाउंट कर रहा हूँ। बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में तो आपका नाम नेम आप एप्लीकेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर आपको डाल देना है जो पीएम किसान में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बीमा है यहाँ पर 12 रुपये का अगर एनुअल प्रीमियम देना चाहते हैं 2 लाख का दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर और किसी भी जानकारी के लिए आपको डालना है तो आपको डाल सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको आपका जो खाता है यहाँ पर आपको डिटेल डालना है आपके खसरा खतौनी का, आपको पोर्टल से मिल जाएगा या अपने पर्चे से देख सकते हैं। यहाँ पर डाल देना है विलेज का नाम और सर्वे खसरा नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपको खुद का जमीन है या दूसरे का यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर एकड़ में आपको लिखना है कि कितने एकड़ का खेत है, यहाँ पर कौन से फसल आप बोए हों उसको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखिए आपके पास एनिमल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो यस कर देना या नहीं पर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप आएंगे तो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया, आप सिक्योरिटी के लिए कौन सा गिरवी रखना चाहते हो। यहाँ पर ऑनलाइन डेट लिख देना है, खुद की जमीन को मैं गिरवी रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर लिख देना है। और पार्टिकुलर में यहाँ पर भी ऑनलाइन लिख कर यहाँ पर चेक मार्कअप में टिक लगा कर सबमिट डिटेल्स कर देना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल्स कर देंगे आपके वैलेट से 35 रुपया आपके अकाउंट से कट जाएगा और इस तरह से आपको स्लिप मिल जाएगा। इस स्लिप को बैंक में जाकर जमा कर देना है और तुरंत ही आपको बैंक से अप्रूवल मिल जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और अकाउंट से पैसा आ जाने के बाद आपको बैंक के द्वारा एक रुपी कार्ड है, जो कार्ड एटीएम कार्ड जैसा रहता है उसको आपको भेज दिया जाएगा। उसी से आपको यहाँ से आप एटीएम में जाकर आप निकाल सकते हैं। आई होप यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो सभी किसानों तक यह वीडियो जाना चाहिए, ताकि सभी को जो बैंक में प्रोसेस करने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, आप खुद के मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये वीडियो को सभी किसानों तक पहुंचा देना, सभी जो सीएससी सेंटर संचालक हैं उन तक पहुंचा देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।